रावण और कुंभकर्ण रामायण के दो सबसे शक्तिशाली चरित्र थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण और कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में असुर नहीं थे। एक श्राप ने उन्हें असुर बनाया था जो कि सिर्फ भगवान विष्णु ही हटा सकते थे। भगवत पुराण के अनुसार रावण व कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। एक बार जब जय और विजय विष्णुलोक के द्वार पर थे तब भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चार ऋषि विष्णुलोक पधारे और अंदर जाने के लिए कहा। ये चार ऋषि असल में ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र थे, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी भगवान के विश्राम का समय है। इस बात पर ऋषियों ने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम अगले 100 जन्मों तक राक्षस पैदा होगे। ये सुनकर जय और विजय ने ऋषियों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, लेकिन कुछ ही वक्त में उन ऋषियों को लगा कि ये सजा कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तब जब ये चार ऋषि विष्णु से मिलने गए तब उन्होंने भगवान विष्णु से अपने श्राप को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि श्राप को पूरी तरह वापस लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि जय और विजय हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहेंगे। विष्णु जी ने जय और विजय को दो विकल्प दिए, या तो वो अगले 7 जन्मों तक विष्णु भक्त के रूप में जन्म लें, उसके बाद वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं, या वो 3 बार शक्तिशाली विष्णु विरोधी असुर के रूप में जन्म लें और भगवान विष्णु या उनके किसी रूप के हाथों उनकी मृत्यु हो, उसके बाद वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं। अब क्योंकि जय और विजय विष्णु जी के परम भक्त थे तो उन्होंने सिर्फ वक्त को देखा और 3 जन्म तक असुर बनने को चुना। इस श्राप के चलते जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में दूसरे जन्म में, और दंतावर्क और शिशुपाल के रूप में तीसरे यानी कि आखिरी रूप में आए। इन 3 जन्मों में भगवान विष्णु ने उनका वध करके उनको उनके श्राप से मुक्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।